सभी दोस्तों को नमस्कार। हैप्पी बर्थडे वालों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है शनिवार और तारीख हो गई है, क्या हो गई है, 25 अगस्त 2024। हम पहुंच गए हैं अपने खेत पे जी, चारा काटने पशुओं के लिए। मौसम का हाल हम है यो, बारिश तो प्रोवाइल ने आपके करी आँख दी। बाकी जी पिछली बार जब मैंने बाजा काटा तो वो छोड़ दिया, आज घोंसले की वजह से। इसमें घोंसला है चिड़िया का, किसी चिड़िया का। अब इस चिड़िया का घोंसले का तो खैर नामो निशान ही मिटा दिया, या तो किसी और पंछी ने कराया काम, दिखाई दे गया होगा किसी को, तो बेचारा ख़त्म कर दिया है उसका घर। अब हम भी काट लेंगे, बाकी 2 दिन का लेकर चलेंगे आज भी चार गड्डी। और जी आज हमारे गांव की छड़ियों का मेला है जी, अब वो कार्यक्रम स्टार्ट हो लगेगा धीरे धीरे गांव में। 7 बज रहे हैं अभी तो सुबह के। खैर पहले चारा काटने, उसके बाद बताते हैं जो भी होता दिखाते हैं तुम्हें। तो ये चारा तो काट लिया और लोड भी कर लिया है, गाड़ी जोड़ ली, अब चलते हैं घर की तरफ को। बहरहाल रोज से गर्मी आज ज़्यादा है, पसीना सा पसीने में भीग गई साइड भी हो, इससे अनुमान लगा रहे हूँ मैं। वैसे कल परसों भी लेके गया मैं 2 दिन का, तो ना पसीना आया इतना। बहरहाल जी अब खेतों में पानी चलाने शुरू करने पड़ेंगे अब, क्योंकि ऊपर वाला तो अब बरसेगा नहीं, मिल रहा इस साल तो बारिश हल्की रह गई, ग्लोबल वार्मिंग का असर है। चल भाई हाँ, ऑटोमेटिक है जी, बिल्कुल पति परफेक्ट। यो है जी तैयारी मेले की गांव के की। तो जी चारा उतार दिया आके और ड्रेस चेंज करके जरा भंडपुरी में जो अंकित हैं उनके ताऊ जी एक्सपायर हो गए हैं। अगर पुरानी वीडियो देखी हो तो 1 साल पहले बनाया करें हम उनकी वीडियो, अब उनके पापा के साथ ही बैठ कर रहे हैं वो। मैं एक फोटो लगा दूंगा यहीं ऊपर साइड में। तो वो कल एक्सपायर हो गए शाम, तो उनके अंतिम दर्शन करके आऊँ जरा मैं जाकर। अंतिम दर्शन तो खैर मैं थोड़ा सा लेट हो गया, पर उनकी सब यात्रा में शामिल हो गया मैं थोड़ा सा। 1 साल में तीनों भैया एक्सपायर हो गए, तीनों बैठे रह रहे पहले घर के आ गए। अब देखो 1 साल में कितना परिवर्तन हो गया, एक पीढ़ी पूरी खत्म हो गई, तीन ही भैया है वो तीनों खत्म हो गए। बाकी ज़्यादा तो मैं वहाँ भी, लेकिन वो बच्चों का पेरेंट्स मीटिंग है आज, तो वो वहाँ भी जाना ज़रूरी है, तो जाऊँगा स्कूल पहले उनके। तो जब बज रहे हैं लगभग 10, इनकी पेरेंट्स मीटिंग है दोनों बच्चों की, तो अभी चला है भैया स्कूल। चलो और इनकी मैडम से भी हाल चाल लेके आऊँ इनके प्रोग्रेस का, क्या पढ़ाई चल रही है। चलो बैठो भैया। हिटलर तू भी चल आ गया बेटे, तू यहीं रह, तेरी क्लास में ही लगा दूंगा। चलो 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 अंदर चलो, चल चल ना पीछे बैठ गए दोनों। हाँ बताओ क्या कर रही बेटी। टेम्पो कहाँ? अच्छा मेले का टेम्पो दिख रहा हो जी। हाँ भैया मेला दिखाई दे रहा, पहले स्कूल का मेला तो देख लो। पेरेंट्स की गाड़ी गाड़ी खड़ी है जी यहाँ तो। सब किताब हिसाब किताब लेना है बालकों को अपने, बल्कि स्कूल वालों ने बुलाया गया जी अपना बच्चों का रिपोर्ट कार्ड ले आओ। है भाई चले चलो। चलो भैया चलो 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 चलो। तो जी हुई खत्म पेरेंट्स मीटिंग। हाँ भैया और मेला देख के जाएंगे। मेला? अरे मेले का तो हो गया ठीक है। हाँ भाई नंबर कैसे कैसे हैं भैया तुम्हारे दोनों के? मेरे तो थोड़े अच्छे।
अच्छे मैं तो बहुत सारे, बहुत सारे अच्छे हैं भी मिल के तो ठीक है जी। अब तो नंबर का तो खैर चलता ही रहा है, बस मेन मैडम का जो फीडबैक है वो पॉजिटिव है, वो ही मेन है। चले भैया पढ़ाई पे फोकस जारी रखें आप अपना, ठीक है। लेट्स गो, आप कह दो पेरेंट्स मीटिंग में जी माताओं का ज्यादा रोल है, माओ को भरोसा, आप तो खैर ड्यूटी गए होंगे लोग आप, इसलिए मम्मी ज्यादा आ रही है बच्चों की। पहुंच गए जी घर, पीछे चल पीछे चल पीछे चल, एक स्टूडेंट खड़ा रहा है यहीं कहीं, तू अंदर ही रह, अरे अंदर ही रह, चलो हट जा हट जा पीछे, चलो। तो ये बज रहे हैं 12:30, मेला बता ही रहा मैं सुबह है गांव का, तो अब जो वहां से निकल ला कर दूँ गोलगप्पे वगैरह जलेबी जिन्हें क्या क्या बता दी इन्होंने, आज तो मुझे लगा मेरा भी चीट डे रहेगा, आज सारी डाइटिंग पाइटिंग निकल जाएगी। डाइटिंग तो खैर वैसे भी ना होती है, डाइटिंग तो डाइटिंग ही हो। पहला जी सरकारी स्कूल पर लग रहा मेला है, अब वहाँ शिफ्ट हो गए यहाँ लगे लगा ढकेले वाले रास्ते पे, मेला मेला कुछ ना, वो ये जो चार दुकान है ले लिया जी हमने गोलगप्पे का और जलेबी पलेबी वो भी लेनी है। तो जी अब कोई मेले का मेला ना है, अब तो एक तो हम बड़े हो गए, बचपन का ही हो गया मेला भी, फिर अब जो है दुकानें हिंडोले पिंडोले तो लगते ना हैं, अब ऐसे ही है, बस ऐसे मानो जैसे बाजार लगा है, सब्जी का बाजार लगा है, ऐसे ही हर आदमी जाता रहता है कुछ ऑनलाइन मंगवा लो, हर पहले आ जाओ हर चीज़ का अभाव है, मेला रह रहे हैं ऐसे मान लो, बड़ा इंतजार रह रहे हैं मेले का, अब कोई मेला मेला ना है, अब तो बस कहानी चल रही है, अब तो जो मर्जी करे वो 10 मिनट में अवेलेबल हो जा है, ऑनलाइन मंगवा लो ऑफलाइन खाइया हो जाकर, पहले आ जाओ अभाव रह गया असली मेलों का, और बड़ा इंतजार रह रहा है, बड़ा तगड़ा मेला लग रहा है गाँव का हमारे भी। बाकी जी अब दोपहरी का आज तो लंच भी वही रहेगा ऐसे ही, फिर खाया जा रहा है कुछ इसके बाद। तो जी मेला चल रहा है इस टाइम पीक पे, और अपन भी चल रहे हैं कहीं बाहर, लोबलाल मेले का रुख देखो भरपूर भीड़ चल रही है, अब शाम के बज रहे हैं 5:30। जी आज तो जिम की छुट्टी लगनी ही, मतलब मुझे कल ही अगर आया चक्कर दिखाएगी मैं फिर से आई, क्योंकि आज है हमारा नहीं बाहर जाने का इरादा, नहीं के लिए चलना है। बाकी ब्लॉग की करेंगे आज की यही समाप्ति, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक, चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।